हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पत्रकारों संपादकों के साथ वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए किया सीधा संवाद। मीडिया को उनके सकारात्मक एवं अहम भूमिका निभाने के लिए दिया धन्यवाद। मंडलायुक्त और डीआईजी ने किया गोरखपुर और महाराजगंज जिले का औचक निरीक्षण, लोगों को किया कोरोना वायरस के बचाव के प्रति जागरूक। डीएम और एसएसपी ने किया कौड़ीधाम के धसकी स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण, लोगों को किया कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक ने कहा, लॉकडाउन के दौरान अपने खेतों की कटाई करवाने के लिए शहर से अपने गांव जाने वाले शहरवासियों को सशर्त अनुमति के साथ पास देगा ट्रैफिक विभाग। लॉकडाउन के दौरान जनपद में हुए 853 क्वारंटाइन केंद्रों और 1300 होम क्वारंटाइन गांवों को किया जाएगा सैनिटाइज। भारोटिया मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम सिटी ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को दी सख्त हिदायत, कहा आप मिली शिकायत तो होगी विधिक कार्रवाई। लॉकडाउन को लेकर गल्ला और सब्जियों की आवक और वितरण की स्थिति हुई सामान्य, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। लॉकडाउन के दौरान फूड सप्लाई घर घर जाकर डिलीवरी उपलब्ध कराने वाले रेस्टोरेंट को दी जा रही है परमिशन, कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य, एडीएम एफआर ने दी जानकारी। लॉकडाउन के दौरान महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह लगातार क्षेत्र में गरीब असहाय लोगों की कर रही है मदद, लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए किया जा रहा है जागरूक। लॉकडाउन के दौरान रेलवे प्लेटफार्म पर लगे पानी के डर्मों और हैंड वॉश के डिब्बे मिले खाली, स्टेशन मास्टर ने कहा पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने से हुई है ऐसी स्थिति। लॉकडाउन के दौरान बेवजह बाइक से सड़क पर घूमना युवक को पड़ा महंगा, बाइक हुई सीज। मंगलवार तक ई पास बनवाने के लिए आए ऑनलाइन 20,000 आवेदन, एडीएम एफआर ने कहा जरूरतमंदों को जारी होगा पास। पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में रेलवे स्टेशन स्थित एक निजी होटल में गरीब असहाय जरूरतमंदों में भोजन किया गया वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया विशेष ध्यान। और लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, सिर्फ पास वालों को ही मिल रही एंट्री।